पंचायत और नगरीय चुनाव के पहले बड़वानी जिले में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने सभी को सदस्यता देकर भाजपा में शामिल किया। बड़वानी में कांग्रेस के निकाय चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के मांदिल पंचायत सरपंच प्रकाश चौहान, आईटी सेल प्रमुख विकास पटेल और मोहन मुजाल्दे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा नेता अजय यादव, अंतर पटेल और मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव मौजूद रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मूलतः विचारधारा, चूंकि मैं भारत का नागरिक हूं, सर्वप्रथम मेरा राष्ट्रवाद को लेकर जो मेरी विचारधारा है धर्म के प्रति, मैं पूर्व में भी भटक के, मैं कह सकता हूं इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं रास्ता भटक गया था। मैं पूर्व में भी इसी विचारधारा से था और आज लंबे समय काम करके बहुत कोशिश करी कि इस विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन कांग्रेस में रहकर मैं कर नहीं पा रहा था, दम घुट रहा था, इसलिए मैं अपने परिवार वापस लौटा हूँ। कांग्रेस से नाराज़गी के बहुत सारे कारण हैं। एक आध कारण बता देता हूँ आपको मैं कि कांग्रेस एक्चुअल में कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस ने कभी भी एक नाम को दूर करने की कोशिश नहीं करी। पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उस नाम को हटाया जाए और कोई नया नाम वहाँ ला के रखा जाए, लेकिन वो गांधी परिवार से दूर ही नहीं हो पाया कभी, इसलिए आज कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस से जिला महासचिव का पद था मेरे पास। संगठन से क्या नाराज़गी, क्यों इस्तीफा दिया? संगठन से नाराज़गी नहीं है, मुझे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र अवार से नाराज़गी थी, क्योंकि उन्होंने 6 फरवरी को जो धरना प्रदर्शन हुआ था किसान आंदोलन के तहत, उसमें उन्होंने हमें नकली कांग्रेसी बोला था और उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि इनको मारो और जेल में FIR करके डाल दो। उसकी नाराज़गी से आज हमने बीजेपी की विचारधारा हमें अच्छी लगी, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली हमने। आज बड़वानी जिले के लिए एक नई सौगात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो आईटी सेल है उसके प्रदेश के महासचिव प्रकाश चौहान जी और बड़वानी जिले के जो आईटी सेल के जिले के महासचिव है ऐसे हमारे विकास पटेल जी जो फतियापुर के रहने वाले हैं, मंडवाड़ा से आगे फतियापुर है, राजपुर विधानसभा का गाँव है, उनके ही साथ में हमारे मोहन मुजाल्दे जी जो पास के गांव में रहते हैं, जिनका प्रभाव कोयड़ा, खेड़ी, पानिया चारों स्थानों पर है। ये तीनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले की ओर से, राजपुर विधानसभा की ओर से, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।